वेलकम टू माय चैनल दैट्स काला गर्ल और मैं हूं कांक्षा। जैसे कि आपको वीडियो के थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा, आज की ये जो वीडियो है काफी ज्यादा रिक्वेस्टेड एक टॉपिक पे है, जिसमें मैं अपने 3 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ आपको बहुत ही ज्यादा सेफ और इफेक्टिव नाइट क्रीम, सीरम्स और फेशियल ऑयल रिकमेंड करूंगी। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपकी एंटी एजिंग में हेल्प करेंगे, अगर आपको फाइन लाइंस, रिंकल्स की प्रॉब्लम है उन्हें ब्लर करने में आपकी हेल्प करेंगे, और इसके साथ साथ ओवरऑल आपकी स्किन को यूथफुल और यंगर लुकिंग बनाने में हेल्प करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको जितने भी प्रोडक्ट रेकमेंड करूंगी वो प्रोडक्ट मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, और इन सभी प्रोडक्ट को कम से कम भी 2 बार मैंने रीपर्चेस करके यूज किया है, तो इसीलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बोल सकती हूँ कि सारे ही प्रोडक्ट पूरी तरीके से सेफ हैं और इफेक्टिव हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स के बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ मैंने अपना एक Amazon स्टोर लिंक क्रिएट किया है, जिस लिंक पे क्लिक करते ही ये सारे के सारे प्रोडक्ट आपको एक जगह पे मिल जाएंगे, तो इसीलिए इन प्रोडक्ट को परचेस करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से इस वीडियो को सुनना है और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी स्किन टाइप के हिसाब से जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे वो आप बहुत इजीली परचेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। सबसे पहले मैं आपको नाइट क्रीम बताऊंगी, उसके बाद नाइट सीरम बताऊंगी, और उसके बाद मैं कुछ मेरे फेवरेट फेशियल ऑयल आपको रेकमेंड करूंगी। नाइट क्रीम्स जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट स्किन केयर रूटीन है, यानी कि टोनर लगाने के बाद रात में अगर आप ये नाइट क्रीम्स लगा लेंगे उसके बाद आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो फेशियल ऑयल इन नाइट क्रीम्स के बाद लगा सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी पिलग्रिम के ग्लो मॉइस्चराइजर की, जो कि आपको इस टाइप के टब टाइप की पैकेजिंग में मिलता है। इसमें आपको 50 ग्राम क्वांटिटी मिलती है, जिसकी एमआरपी है 550 रुपीज, लेकिन अमेजोन पे फिलहाल ये 475 रुपीज में आपको मिल जाएगा। बहुत ही ज्यादा लाइट वेट इसकी कंसिस्टेंसी है, बहुत इजीली ये आपकी स्किन में स्प्रेड हो जाता है, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं लगता, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, लेकिन हाँ बहुत अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। इस प्रोडक्ट में जो की इंग्रेडिएंट है वो है स्क्वेलिन। स्क्वेलिन में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, और इसकी खास बात यह है, वैसे तो ये ऑयल की फॉर्म में होता है, कि ये आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता बल्कि उन्हें अनक्लॉग करने में आपकी हेल्प करता है, आपकी स्किन को हील करता है और नेचुरली मॉइस्चराइजेशन लेवल को इंक्रीज करता है। इसके साथ साथ इसमें आपको विटामिन सी एंड नियासिनमाइड मिल रहा है। ये दोनों ही इंग्रेडिएंट एक साथ बहुत अच्छे से काम करते हैं। विटामिन सी आपकी स्किन में ब्राइटनेस को बूस्ट करता है, कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, और नियासिनमाइड डार्क स्पॉट्स वगैरह को फेड करने में आपकी हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ आपकी स्किन बैरियर्स को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए इस मॉइस्चराइजर को मैं पर्सनली जब भी यूज करती हूँ तो रात में लगाती हूँ, क्योंकि रात में आपकी स्किन का हीलिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से होता है। दूसरा प्रोडक्ट जो मैं आपको हाईली रेकमेंड करना चाहूंगी, अगेन मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो है डॉट एंड की नाइट रिसेट रेटिनॉल क्रीम। मेरे पास ये छोटा वाला वर्जन है, ये मेरी एक्चुअली 3rd बॉटल है, 2 फुल साइज वाली बॉटल मैं ऑलरेडी इसकी खत्म कर चुकी हूँ। इसमें आपको 60 ml क्वांटिटी मिलती है, बड़ा वाला जो इसका स्टैंडर्ड पैक है उसमें, और उसकी MRP है 695 रुपीज आई गेस, लेकिन Amazon पे फिलहाल आपको ये 520 रुपीज की मिल जाएगी। ये जो नाइट क्रीम है इसकी पर्सनली मुझे कंपोजिशन बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगी। इसमें आपको रेटिनॉल मिलता है रेटिनाइल पार्मिटेट की फॉर्म में। रेटिनाइल पार्मिटेट जो है वो रेटिनॉल की एक बहुत ही ज्यादा जेंटल फॉर्म होती है, ये जैसे ही आपकी स्किन के कॉन्टेक्ट में आती है आप रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाती है, और ये भी आपकी स्किन को वो सारे के सारे फायदे पहुंचाता है जो रेटिनॉल आपको देगा, लेकिन ये बिल्कुल भी इरिटेटिंग नहीं है। और बहुत सारे लोगों को रेटिनॉल से जो पर्जिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है, रेटिनाइल पाल्मिटेट से वो सारी सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। रेटिनॉल की नेचुरल टेंडेंसी होती है स्किन को ड्राई करना, लेकिन रेटिनाइल पाल्मिटेट जो है वो आपकी स्किन को उतना ड्राई नहीं करता जितना कि रेटिनॉल करता है। और ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसमें आपको रेटिनाइल पाल्मिटेट के साथ साथ सेरामाइड मिल रहे हैं, हिलोरॉनिक एसिड मिल रहा है, इसमें हिबिकस फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, और इसके साथ साथ सी बकथोन है। हिबिकस फ्लावर एक्सट्रैक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी, ये आपकी स्किन में रेडियंस को बूस्ट करता है, इसके साथ साथ आपकी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट भी करता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखता है, और इसके साथ साथ ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से आपकी स्किन टेक्सचर को स्मूथ डाउन करने में भी हेल्प करता है। तो ओवरऑल ये जो नाइट क्रीम है ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, क्योंकि इसमें हिलोरॉनिक एसिड सेरामाइड्स का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है।
तो इसीलिए स्क्रीन के बाद भी आपको कुछ भी लगाने की अपनी स्किन पे जरूरत नहीं है। ये एक नाइट क्रीम सफिशिएंट होगी आपके नाइट स्किन केयर रूटीन को कंप्लीट करने के लिए। थर्ड जो क्रीम या मॉइस्चराइजर मैं आपको कहूंगी, जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगी, वो है डॉक्टर शेड का हल्दी हेलोरॉनिक एसिड स्लीपिंग मास्क। ये जो स्लीपिंग मास्क है, इतना अच्छा प्रोडक्ट मैंने आज तक यूज नहीं किया। इस प्रोडक्ट को मैं जनरली तब यूज करती हूँ जब मैं अपनी फेस को रात में केमिकली एक्सफोलिएट करती हूँ। केमिकली एक्सफोलिएशन के बाद मैं पर्सनली स्लीपिंग मास्क यूज करना प्रेफर करती हूँ या फिर कोई सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ। फिलहाल ये जो प्रोडक्ट है वो एम्प्टी है, ये मैं तीसरी ट्यूब इसकी खाली कर चुकी हूँ। ये जो प्रोडक्ट है इसमें आपको 40 ग्राम क्वांटिटी है, जिसकी MRP काफी ज्यादा है, लेकिन Amazon पे फिलहाल आपको ये 506 रुपीस में रिसीव हो जाएगा। इसकी भी जो कंपोजिशन है वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। इसमें आपको 5% हेलोरॉनिक एसिड, 1% सेरामाइड कॉम्प्लेक्स, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, विटामिन ई, नियासिनमाइड एंड सीका जैसे अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं। इन सारे के सारे प्रोडक्ट में कोई आपको आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं मिलती है। सेरामाइड जो होते हैं वो आपकी स्किन बैरियर्स को रिपेयर करते हैं, तो इसीलिए रात में हीलिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से होने की वजह से ये स्लीपिंग मास्क बहुत अच्छे से आपकी स्किन पे काम करता है, सेल टर्न ओवर को इंक्रीज करता है। हेलोरॉनिक एसिड की वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा प्लम्पी और स्मूथ लगती है, मॉइस्चराइजेशन और जो हाइड्रेशन लेवल है वो इंक्रीज करता है। इसके साथ साथ इसमें जो टर्मरिक है वो आपकी स्किन में ब्राइटनेस को बूस्ट करता है। ओवरऑल ये जो स्लीपिंग मास्क है ये आपकी हर तरह की स्किन प्रॉब्लम से डील करने में आपकी हेल्प करेगा। लास्ट प्रोडक्ट जो नाइट क्रीम की तरह मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगी वो है डडामा कोकी 4% सेरामाइड कॉम्प्लेक्स फेस क्रीम। इसमें आपको कई तरह के सेरामाइड सी का एक्सट्रैक्ट मिलता है। इस प्रोडक्ट को आप दिन में और रात में दोनों टाइम यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करती हूँ कि जो सेरामाइड वाले प्रोडक्ट हैं वो आप अपने नाइट स्किन केयर रूटीन में ऐड कीजिए, क्योंकि सेरामाइड आपकी स्किन बैरियर्स को हील करने में आपकी बहुत हेल्प करता है और हीलिंग प्रोसेस रात में बहुत अच्छे से होता है। यहाँ पे मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाना चाहूंगी, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल ग्रीसी नहीं है। गर्मियों में ये मॉइस्चराइजर आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा, लेकिन अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है तो सिर्फ एक ये प्रोडक्ट सफिशिएंट नहीं होगा। इसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूंगी या तो आप अपना यूजुअल कोई मॉइस्चराइजर या तो फेशियल ऑयल अप्लाई करें। नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी पे आऊंगी जो है सीरम। रात में अगर आप कोई भी सीरम यूज करना चाहते हैं, वो भी अपने एज को स्लो करने के लिए या फिर जो एजिंग के साइन आपके चेहरे पे हैं उन्हें फेड आउट करने के लिए, तो गाइज रेटिनॉल सीरम से अच्छा ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरे पर्सनल फेवरेट 4 रेटिनॉल सीरम रेकमेंड करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी केमिस्ट एट प्ले के रेटिनॉल सीरम की, जिसकी बॉटल फिलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं उसके बारे में आपसे कई बार बात कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पे उसका सेपरेट रिव्यू आपको मिल जाएगा। केमिस्ट एट प्ले के प्रोडक्ट्स की खास बात यह है कि उन प्रोडक्ट्स में आपको एसेंशियल सेरामाइड्स भी मिलते हैं। सेरामाइड्स आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स में होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो वो प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है फिलहाल, मैं आपको शो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ वो सीरम भी आपको इस टाइप की पैकेजिंग में मिलता है। लेकिन बाहर का ये जो कलर है वो है पिंक, पिंक कलर का बॉक्स में वो आपको रिसीव होता है। रेटिनॉल सीरम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है डॉट एंड की का पोमाग्रेनेट मिरेकल कॉलेजन बूस्ट रेटिनॉल यूज सीरम, जो कि आपको इस टाइप की पैकेजिंग में मिलता है। ये जो सीरम है क्लाउडी कंसिस्टेंसी में मिलता है, इसमें आपको 25 ml क्वांटिटी मिलती है और इसका प्राइस है 475 रुपीज। MRP इसकी ज्यादा है, मैं बात कर रही हूँ Amazon पे फिलहाल आपको ये कितने रुपए में मिलेगा। बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, लेकिन हाँ आपकी स्किन को हल्का सा ड्राई कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया रेटिनॉल की जो टेंडेंसी होती है वो स्किन को ड्राई करने वाली होती है। इसमें जो आपको रेटिनॉल मिल रहा है वो अगेन रेटिनॉल पामिटेट की फॉर्म में मिल रहा है। इसके साथ साथ इसमें आपको पोमाग्रेनेट मिल रहा है, इसके साथ साथ इसमें PHA है, विटामिन ई है एंड कॉलेजन पेप्टाइड्स हैं। कॉलेजन पेप्टाइड्स आपकी स्किन में कॉलेजन सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं, यानी कि बेसिकली कॉलेजन को बनाते हैं। इसके साथ साथ कॉलेजन पेप्टाइड्स जो होते हैं वो आपकी स्किन में नेचुरल हेलोरॉनिक एसिड के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो काफी ज्यादा प्लम स्मूथ लगती है। तो ये जो एक प्रोडक्ट है इसका भी सेपरेट रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। जब से मुझे ये रिसीव हुआ है आई गेस मैं इसे पिछले महीने से यूज कर रही हूँ, पिछले महीने के लास्ट में मैंने इसे यूज करना स्टार्ट किया था। अभी ये ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 25 ml क्वांटिटी मिलती है। अगर आप 25 ml क्वांटिटी डेली लगाते हैं तो आपकी ये करीब करीब एक महीना नहीं तो 40 days लास्ट करेगी। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से ये काम करता है। रेटिनॉल जनरली सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किन पे फाइन लाइंस को ब्लर ही नहीं करता, बल्कि आपकी
एज को रिवर्स करने का भी पोटेंशियल रखता है। यह आपकी स्किन को बहुत ही माइल्ड तरीके से एक्सफोलिएट करता है, तो इसीलिए अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे रेटिनॉल के इफेक्ट्स, तो आपकी स्किन आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगेगी। रेटिनॉल के रिजल्ट्स देखने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप एंटी एजिंग वाला कोई भी प्रोडक्ट खोज रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी रेटिनॉल वाला एक प्रोडक्ट अपने नाइट स्किन केयर रूटीन में डाल लीजिए। अमेजिंग फॉर्मुलेशन, अमेजिंग प्रोडक्ट, मस्ट ट्राई। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं सीरम की फॉर्म में आपको रेकमेंड करना चाहूंगी वो है प्लम का 1% रेटिनॉल सीरम, जिसमें आपको कॉलेजन पेप्टाइड्स मिलते हैं, बकोचियोल मिलता है, इसके साथ साथ इसमें आपको विटामिन ई एंड हिलारोनिक एसिड भी मिलता है। रेटिनॉल इस सीरम में भी रेटिनाइल पार्मिटेट की फॉर्म में डाला गया है। ये जो बॉटल है ये 20 ml वाली है। वैसे प्लम की रेटिनॉल सीरम में आपको दो वर्जन मिल जाएंगे, 20 ml और 30 ml। मैंने 20 ml वाला लिया था। 20 ml की MRP थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अमेजोन पे आपको ये 467 rupees में मिल जाएगा। इसमें जो बकोचियोल है, बकोचियोल जनरली आपकी स्किन में सेल टर्नओवर को इंक्रीज करता है, फाइन लाइंस और रिंकल्स को ब्लर करने में आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था, पेप्टाइड्स जो होते हैं वो नेचुरल हिलोरॉनिक एसिड को आपकी स्किन में इंक्रीज करते हैं, और इसके साथ साथ इसमें आपको अमीनो एसिड्स भी मिल रहे हैं। तो कॉलेजन पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड का जो कॉम्बिनेशन है वो ओवरऑल आपकी स्किन को यूथफुल बनाने में हेल्प करेगा, यंगर लुकिंग बनाने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये फाइन लाइंस और एज के जो साइंस हैं उस पर काम करता है बहुत ही इफेक्टिव तरीके से। नेक्स्ट सीरम जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूंगी वो है डी कंस्ट्रक्ट का रेटिनॉल पेप्टाइड सीरम। इसमें आपको 0.2% रेटिनॉल एंड 1% पेप्टाइड्स मिल रहे हैं। ये जो सीरम है इसमें आपको जो प्योर फॉर्म होती है रेटिनॉल की वो मिल रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 0.2% की कॉन्सेंट्रेशन के साथ, क्योंकि रेटिनॉल काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो इसलिए 0.2% रेटिनॉल डेली यूज करने के लिए इनफ है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप बिगनर हैं, एकदम सबसे पहली बार रेटिनॉल यूज करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्रीम से या तो स्टार्ट कीजिए, रेटिनॉल वाले जो मॉइस्चराइजर है, नहीं तो अगर आप सीरम से ही डायरेक्टली स्टार्ट करना चाहते हैं तो रेटिनॉल पार्मिटेट वाला सीरम लीजिए, और वीक में सिर्फ और सिर्फ 2 या तो 3 बार इनिशियली लगाइए, क्योंकि रेटिनॉल से आपको पर्जिंग की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। तो कम से कम भी 3 वीक तक आप इसी तरीके से रेटिनॉल लगाइए, और जब आपकी स्किन रेटिनॉल के साथ यूज्ड टू हो जाए तो आप रेटिनॉल डेली बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। रेटिनॉल सीरम के बाद मैं आपको जनरली रेकमेंड करती हूँ कि आप सेरेमाइड बेस्ड कोई मॉइस्चराइजर लगाइए, या फिर हल्दी, हिलोरॉनिक एसिड, इस टाइप के जो कॉम्पोनेंट होते हैं, इस टाइप के जो इन्ग्रीडियंट होते हैं, वो वाले आप जो मॉइस्चराइजर हैं वो आप इस सीरम के बाद अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ इस सीरम के बाद ही नहीं, रेटिनॉल सीरम के बाद अप्लाई कर सकते हैं, और इसके बाद आप चाहें तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन अपनी स्किन को देने के लिए फेशियल ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो डीकंस्ट्रक्ट वाला सीरम है इसमें भी आपको पेप्टाइड्स मिल रहे हैं, विटामिन ई है, हेलोरॉनिक एसिड है, तो कोई नई चीज इसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नया जो है वो है 0.2% रेटिनॉल। इससे पहले जितने भी रेटिनॉल सीरम मैंने आपको रेकमेंड किए उसमें आपको रेटिनॉल रेटिनाइल पार्मिटेट की फॉर्म में मिल रहा था। ये जो सीरम है पूरी तरीके से सेफ है, आप बिगनर हो, आप इंटरमीडिएट हो, आप इस सीरम को बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी फेशियल ऑयल्स के बारे में। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 2 फेशियल ऑयल रेकमेंड करूंगी, क्योंकि पर्सनली मेरी स्किन ऑयली एक्ने प्रॉन है, और बहुत सारे फेशियल ऑयल्स ऐसे हैं जो ऑयली एक्ने प्रॉन स्किन को सूट नहीं करते, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर साइज जो होता है उसकी वजह से वो हमारे पोर्स को क्लॉग कर देते हैं, और हमें बहुत फ्रिक्वेंटली एक्ने के ब्रेकआउट्स फेस करने पड़ते हैं। तो मेरे पास आज 2 फेशियल ऑयल हैं जो मैं बहुत लंबे टाइम से एक्चुअली यूज़ कर रही हूँ, जिसमें से मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी मिनिमलिस्ट के स्क्वेलेन ऑयल की। ये प्योर स्क्वेलेन ऑयल है, इसमें कुछ और नहीं डाला गया है, और ये स्क्वेलेन ऑयल है, सिर्फ और सिर्फ ये स्क्वेलेन ऑयल है जिसने मेरे लिए काम किया है। मैंने इसके अलावा भी कई सारे ब्रांड्स के स्क्वेलेन ऑयल यूज़ किए, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छे से मेरी स्किन पर किसी ने काम नहीं किया। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। हाँ, आप जब अपनी स्किन पे लगाते हैं तो ओब्वियसली आपको ऑयलीनेस थोड़ी सी फील होगी, लेकिन ये आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा, इवन ये आपके पोर्स को अनक्लॉग करने में आपकी हेल्प करता है। स्क्वेलिन जो है वो आपकी स्किन पे से डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करने में आपकी हेल्प करता है। तो अमेजिंग अमेजिंग फेशियल ऑयल, आपकी स्किन टाइप चाहे कोई भी हो, आप स्क्वेलिन को एज अपने स्किन केयर का लास्ट स्टेप बना के यूज़ कर सकते हैं, वो भी डेली बेसिस पे। हाईली हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट। दूसरा फेशियल ऑयल जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है वो है आयुगा का कुमकुम आदि स्किन रेडियंस फेस ऑयल।
ये जो फेस ऑयल है ये मुझे अभी अभी रिसीव हुआ है, मैं इसे थोड़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आयुगा के ये जो सीरम्स होते हैं या फिर फेशियल ऑयल होते हैं इसमें ये जो लॉक लगा हुआ है इसे निकालने में बड़ी दिक्कत होती है, तो इस वजह से मैं इसे खोल नहीं पाई। बट हाँ, इस प्रोडक्ट को भी मैं रात में फेशियल ऑयल की तरह यूज़ करती हूँ। पर्सनली जब मैं कुमकुम आदि ऑयल यूज़ करती हूँ उसके साथ मैं कुछ भी और लगाना प्रिफर नहीं करती, क्योंकि ये भी अपने आप में, ये सिर्फ अकेला ऑयल भी अपने आप में एक कंप्लीट नाइट स्किन केयर रूटीन है। तो अगर आप मिनिमलिस्ट में बिलीव करते हैं, यानी कि अपने स्किन केयर रूटीन को मिनिमल रखना चाहते हैं, 4-5 तरह के सीरम, एसेंस, टोनर ये सब लगाना आपको पसंद नहीं है, तो मैं आपको कहूँगी कि या तो आप एक मॉइस्चराइजर ले लें और उसके बाद आप स्क्वालेन फेशियल ऑयल लगा लें, नहीं तो आप कुमकुम आदि ऑयल भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली कुमकुम आदि ऑयल सिर्फ और सिर्फ, अगर सिर्फ ये लगा रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ वीक में 2 बार तक लगाती हूँ। जनरली मैं डेली बेसिस पे रेटिनॉल लगाना प्रिफर करती हूँ, और अगर आप 24+ हैं तो यही सही टाइम है रेटिनॉल को अपने स्किन केयर रूटीन में डालने का। तो गाइस, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं और जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती थी। अगर आप एंटी एजिंग के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं या फिर अपने नाइट स्किन केयर रूटीन को हैसल फ्री और मिनिमल करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रही होगी। या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू, बाय बाय।